Hare Krishna, we have completed our chapter. Now come to the exercise. Dash tree has very big leaves. कौन से tree की सबसे बड़ी leaf होती है? तो palm tree. Leaves of dash plants are used as medicine. कौन सा ऐसा plant है जिसकी leaves को medicine के तौर पर use किया जाता है? The answer is tulsi. You have to write tulsi. Henna leaves are used to color. Henna leaves काय के color करने के काम में आती है? Hair को color करने के. The answer is hair. Hair को color करने के काम में आती है. Dash are put in compost pit to make manure. काय से compost pit में डालते हैं किस चीज को? तो वो खाद बन जाती है. तो fallen leaves को, जो पत्ते गिरते हैं उनको हम खाद के रूप में कंपोस्ट पिक में डालते हैं, तो वो खाद बन जाती है. अनस्क्रम्बल द नेम्स ऑफ प्लांट्स विच लीव्स आर यूज्ड. आपको यहाँ पे कुछ नेम्स दे रखे हैं, वो स्पेलिंग आगे पीछे है, तो आपको ये जो क्लू दे रखे हैं उसके अनुसार यहाँ पर सही नेम बताना है. एस प्लेट्स टू सर्व फूड. कौन सा ऐसा लीव्स है जिसकी प्लेट बनाई जाती है फूड को सर्व करने के लिए? तो वो है बनाना. बनाना प्लांट की जो लीफ होती है वो प्लेट बना सर्व फूड का सर्व करने के काम में आती है. टू मेक रूफ ऑफ हर्ट्स. जो हर्ट्स बनती है उनका रूफ को बनाने के लिए पाम ट्री की लीफ का यूज़ किया जाता है. फॉर मेकिंग तोरंस फॉर डेकोरेटिंग डोर्स. डोर्स को डेकोरेट करने के लिए, तोरण बनाने के लिए मैंगो लीव्स का यूज़ किया जाता है. फॉर डेकोरेटिंग हैंड्स. हाथों को डेकोरेट करने के लिए हिना लीव्स का यूज़ किया जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको राइट वर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है. ग्रीन लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट. ग्रीन लीव्स क्या है? प्लांट की फूड फैक्ट्री है, तो यहाँ पे आएगा फैक्ट्रीज. सेकेंड है ग्रीन लीव्स कंटेंट. ग्रीन लीव में क्या होता है? क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल हैज़ द डैश टू यूज सनलाइट. क्लोरोफिल में क्या होता है? तो पावर होता है सनलाइट यूज़ करने का. लीव्स यूज वाटर एंड डैश ऑफ द एयर टू मेक फूड. लीव्स वाटर और काय का यूज़ करती है फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड. जो प्रोसेस होता है फूड मेक करने का प्लांट का, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस. Come to the question answer. What do plants need to make their food? Plant को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है food को बनाने के लिए? तो plant को green leaves of plant need sunlight. जो plant की green leaves होती है उनको sunlight की ज़रूरत होती है, water की ज़रूरत होती है, and the carbon dioxide और carbon dioxide gas की ज़रूरत होती है to make food. उनके food को बनाने के लिए सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ. ग्रीन लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको सनलाइट जो है वो ट्रैप करती है. व्हाट इज द फॉलन सीजन. फॉलन सीजन, फॉल सीजन क्या कहलाती है, कौन सी होती है? फॉल सीजन इज अ पर्टिकुलर सीजन. फॉल सीजन एक पर्टिकुलर सीजन होती है इन विच ऑल द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज. इसमें क्या होता है, सारी लीव्स जो है पेड़ से गिरने लगती है. इट अकर्स यूजुअली बिटवीन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू फेब्रवरी एवरी ईयर. कौन से मंथ में गिरती है लीव्स? अक्टूबर से लेके फेब्रवरी मंथ के बीच में जो पीरियड होता है उसमें ये लीव्स पेड़ों से पत्ते गिरते हैं. व्हाट आर कंपोस्ट पिट. कंपोस्ट पिट्स क्या होते हैं? अ पिट डिप इन द ग्राउंड इन विच फॉलन लीव्स आर पुट. अब जो एक गड्ढा खोदा जाता है जमीन में और उसके अंदर जो है जो फॉलन लीव्स होती है वो डाल दी जाती है.
एंड कवर्ड की कर दी जाती काय से, सॉइल से, एंड कवर्ड विथ सॉइल, उसको सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है, एंड लेफ्ट टू चेंज टू मैन्योर, और उसको छोड़ दिया जाता है खाद बनने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्ट पेट, इज कॉल्ड अ कंपोस्ट पेट। ओके, क्वेश्चन 4, व्हाई शुड फॉलन लीव्स नॉट बी बर्न, फॉलन लीव्स को क्यों नहीं जलाया जाता है, जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं उनको क्यों नहीं जलाया जाता है, फॉलन लीव शुड नॉट बी बर्न, उनको इस नहीं जलाया जाता है क्योंकि बिकॉज द गैस गिवन ऑफ बाय द बर्निंग लीव्स इज हार्मफुल टू अस, जो गैस उसमें से निकलती है जब जलाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है, इसलिए हमें फॉलन लीव्स को नहीं जलाना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट डाउन टू यूजेस ऑफ लीव, दो ऐसे यूज जो लीव से हम करते हैं वो आपको लिखना है, दो यूजेस लीव्स के, लीव्स ऑफ प्लांट लाइक तुलसी मिंट नीम आर यूज्ड एज मेडिसिन, अब तुलसी मिंट और नीम के जो पत्ते होते हैं वो हम काय के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, एज मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट, हमें टी कहाँ से मिलती है, टी प्लांट की जो लीव्स होती है उससे टी बनती है, तो ये दो यूज़ बताएं, और भी मैंने आपको लेसन में यूजेस बताए हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो। हाउ आर कार्निवोरस प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, कार्निवोरस प्लांट्स जो है क्यों डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पर, फॉर देयर फूड, उनके फूड के लिए, तो कार्निवोरस प्लांट्स डू नॉट गेट देयर कंप्लीट फूड, कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं उनको उनका कंप्लीट फूड नहीं मिलता है, रिक्वायरमेंट फॉर द सॉइल, जो कि सॉइल को रिक्वायर्ड होता है उतने अमाउंट में उनको नहीं मिलता है, वेयर दे ग्रो जहाँ पर वो ग्रो होते हैं, देयरफॉर दे आर डिपेंड, इसलिए वो डिपेंड होते हैं काय पर, ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, उनके फूड के लिए। ओके, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर एंड हार्ड वर्ड्स इन योर फेयर कॉपी। हरे कृष्णा, मीट यू इन अनदर क्लास।